ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ कौन से सबूत दिखा दिए, जिसके बाद हाईकोर्ट ने लगा दी अरविंद केजरीवाल की क्लास। क्या अब जेल से सरकार चलाएंगे अरविंद केजरीवाल? ईडी को गलत साबित करने के चक्कर में केजरीवाल ने अपने लिए नई मुसीबत खड़ी कर ली है। दरअसल केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को चैलेंज करने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में की याचिका दायर की थी। हालांकि अब गिरफ्तारी को कोर्ट ने कानूनी तौर पर सही करार दिया है। केजरीवाल की तरफ से दलील दी गई थी कि ईडी के पास कोई सबूत नहीं है कि केजरीवाल मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल थे। ये कहना कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हवाला ट्रांजैक्शन कर रहे होंगे, ये हास्यास्पद है। केजरीवाल दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, उन्हें इस तरह से बिना सबूत के गिरफ्तार करना गलत है। इसके जवाब में ईडी ने कहा कि अपराधी और आरोपी ये नहीं कह सकते कि हम गुनाह करेंगे और हमें इसीलिए गिरफ्तार नहीं किया जाएगा क्योंकि चुनाव है। हम अंधेरे में तीर नहीं चला रहे, हमारे पास व्हाट्सएप चैट, हवाला ऑपरेटर्स के बयान और इनकम टैक्स का डेटा भी है। इन तमाम दलीलों पर हाईकोर्ट ने क्या कहा वो आपको 10 पॉइंट में समझाते हैं। पहला, शराब नीति केस में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी अवैध नहीं है, ईडी की गिरफ्तारी की कार्रवाई सही है। दूसरा, शराब नीति केस में गवाह राघव मुंगटा और शरफ रेड्डी के बयान पीएमएलए के तहत रिकॉर्ड किए गए हैं। ईडी ने खुलासा किया है कि केजरीवाल आम आदमी पार्टी के संयोजक के तौर पर इस मामले में शामिल थे। तीसरा, हम मानते हैं कि गिरफ्तारी और रिमांड की जांच कानून के हिसाब से होगी, ना कि चुनाव की टाइमिंग देखकर। ये नहीं कहा जा सकता कि गिरफ्तारी का वक्त ईडी ने तय किया है। चौथा, दस्तावेज और सबूत पेश किए गए हैं, इससे साबित होता है कि ईडी ने कानून का पालन किया है। ईडी के पास हवाला डीलर्स और गोवा इलेक्शन के आप कैंडिडेट के भी बयान है। ईडी ने हमारे सामने पर्याप्त सबूत पेश किए जो बताते हैं कि पैसा गोवा चुनाव के लिए भेजा गया। पांचवा, ये बयान किस तरह से रिकॉर्ड किए गए, इस बात पर शक करना कोर्ट और जज पर कलंक लगाने जैसा है। गवाहों के बयान रिकॉर्ड करने का कानून 100 साल पुराना है, ना कि 1 साल पुराना, की याचिकाकर्ता को फंसाने के लिए इसका गलत इस्तेमाल किया है। छठा, ये हम नहीं देखेंगे कि किसने किसको चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया और किसने किसको इलेक्टोरल बॉन्ड दिया। सातवां, ये दावा है कि केजरीवाल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूछताछ की जा सकती है, इसे खारिज किया जाता है। ये आरोपी तय नहीं करेगा कि जांच किस तरह से की जाए, जांच आरोपी की सुविधा के मुताबिक नहीं की जा सकती। आठवां, किसी भी आदमी के लिए भले वो मुख्यमंत्री क्यों ना हो, विशेष सुविधा नहीं दी जा सकती। नौवां, न्यायाधीश कानून से बंधे हैं, ना कि राजनीति से, फैसले कानूनी सिद्धांतों पर दिए, कोर्ट राजनीति की दुनिया में दखल नहीं दे सकती। दसवां, हमें संवैधानिक नैतिकता की फिक्र है, ना कि राजनीतिक नैतिकता की। मौजूदा केस केंद्र और केजरीवाल के बीच की नहीं है, ये केस केजरीवाल और ईडी के बीच की है। कोर्ट को इस बारे में सतर्क रहना है कि वो बाहरी तत्वों से प्रभावित ना हो। हाई कोर्ट के सख्त फैसले से जहां एक तरफ केजरीवाल की मुसीबतें और बढ़ गई हैं, वहीं दूसरी तरफ केजरीवाल की सरकार पर संवैधानिक संकट और बढ़ गया है, क्योंकि हाई कोर्ट ने शराब घोटाले में केजरीवाल की भूमिका स्पष्ट कर दी है। केजरीवाल ने दूसरों के साथ शराब घोटाले में साजिश रची और रिश्वत लेने और आपराधिक आय जुटाने में सक्रिय रूप से शामिल थे। केजरीवाल बतौर आम आदमी पार्टी के मुखिया इस पूरे मामले में उतने ही हिस्सेदार हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि घोटाले के आरोप में तिहाड़ जेल में बैठे अरविंद केजरीवाल अब भी इस्तीफा देते हैं या फिर नैतिकता की धज्जियां उड़ाकर जेल से ही सरकार चलाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एक भारत न्यूज़।